नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज हम पॉलिटी पढ़ाएंगे और पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आज हम आपको बताएंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प यहाँ से मिलेगा। एक से दो क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है आपका, मिनिमम तो एक, मैक्सिमम दो क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, आज हम आपको संविधान की अनुसूची, जो संविधान की प्रमुख अनुसूची है वो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन का चैनल है और एजुकेशन को आप लोग प्रमोट नहीं कीजिएगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। और शेयर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। देखिए दोस्तों, संविधान की अनुसूची टोटल हम अभी 8 अनुसूची है, टोटल 12 है और हम बताएंगे अभी। पहले तो हम प्रथम अनुसूची से शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची जो है इसमें क्या कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। प्रथम अनुसूची है इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय क्षेत्र का उल्लेख है। जो भारत का संविधान है उसका जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय क्षेत्र का उल्लेख है। अगला जो है वो है द्वितीय अनुसूची। दूसरा अनुसूची में इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया दूसरा अनुसूची में। जो मतलब दूसरा अनुसूची में सीधा एक ही लाइन में जा रही है कि जो भारत के प्रमुख जो नेता है, जो प्रमुख पद पर है, जो शीर्ष पद पर है, जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका जो वेतन और पेंशन वो मिलता है वो दूसरी अनुसूची के तहत मिलता है। तीसरा देखिए, तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि इसको क्या आप वोट देकर के भेजते हैं सदन में, लोकसभा में, राष्ट्र विधानसभा में मुखिया बनाते हैं, तो उसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि के द्वारा पद का ग्रहण करते हैं, जैसे वो शपथ लेते हैं, ठीक है, आप देखे होंगे शपथ लेते हैं, तो जो शपथ लेने समय जो व्यवस्था है उसका उसमें वर्णन किया गया है। किसमें? तो तीसरा अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में देखिए क्या है, विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र के राज्यसभा में, लोकसभा है एक राज्यसभा संसद में, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया किसमें? चतुर्थ अनुसूची में। पांचवा देखिए दोस्तों, पांचवी अनुसूची क्या कहता है, तो पांचवी अनुसूची कहता है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो विभिन्न अनुसूचित जनजाति, जो लोअर कास्ट होता है, जो नीचे तबका के लोग है, उसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के प्रशासन, मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन, उनका देख रेख, उनका संचालन, उनका मतलब किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो, उनका खाने का व्यवस्था, पीने का व्यवस्था, रहन सहन, उनका मतलब पूरा जो प्रशासन होता है वो सब पांचवी अनुसूची के तहत किया जाएगा। छठी अनुसूची क्या कहता है, तो छठी अनुसूची कहता है कि इसमें असम, मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट है, असम, आप मैप देखिएगा, मैप में जो नॉर्थ ईस्ट है वो सेवन सिस्टर कहा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा, सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब सेवन सिस्टर है। तो छठी अनुसूची में जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है उसका जो राज्य है, वहां को जो जनजाति लोग है उसके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। और इसमें पांचवी में भी वही था, पांचवी में था कि विभिन्न अनुसूचित जातियों और जनजातियों, लेकिन जो छठा अनुसूची है इसमें सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ध्यान रखिएगा इस बात को। सातवीं अनुसूची क्या कहता है, तो इसमें संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है। इसमें जो जैसे तीन अनुसूची बना हुआ है, संघ का अलग है, राज्य सूची का अलग विषय है, फिर आपका संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची में दोनों का है जी, लेकिन दोनों विषय आ जाएगा, दोनों विषय जो राज्य में भी नहीं है और केंद्र में भी नहीं, लेकिन वो संवर्ती सूची में आएगा। और उसका वैल्यू किसका, अगर कहीं पर पूछा जाए तो वैल्यू किसका इसमें ज्यादा रहेगा, तो संवर्ती जो केंद्र सरकार का विषय होगा वो ज्यादा इसमें अप्रोप्रिएट होगा, उसका ज्यादा वैल्यू होगा, ध्यान रखिएगा। तीन सूची है संविधान में, संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और संवर्ती सूची पर कानून दोनों मिलकर बनाती है, ध्यान रखिएगा। और आठवीं अनुसूची देखिए दोस्तों, आठवीं अनुसूची जो है इसमें भारत की 22 भाषाओं का, भारत में टोटल 22 भाषा है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया किसमें, तो आठवीं अनुसूची में। आप ये 8 को देख लीजिए, एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। प्रथम अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ और
भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया किसमें, तो प्रथम अनुसूची में। दूसरा अनुसूची में इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाला जो वेतन और पेंशन दोनों किसमें है, तो द्वितीय अनुसूची में है। तीसरा अनुसूची जो है इसमें विभिन्न दोस्तों आठ अनुसूची तक हमने आपको करा दिया था, अब नौवीं अनुसूची देखिए। नौवीं अनुसूची क्या कहता है संविधान के द्वारा, एक तो हम आपको बता दें टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है, तो 12 टोटल 12 अनुसूची, ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। चलिए नौवीं अनुसूची क्या कहता है देखते हैं। नौवीं अनुसूची कहता है इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण जो राज्य सरकार होती है, जैसे बिहार राज्य हुआ, झारखंड राज्य हुआ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिवेंद्र, फिर आपका केरल, बंगाल, जैसे राज्य जो है वो कोई संपत्ति का अधिग्रहण जैसे करती है, तो उस संपत्ति का अधिग्रहण का प्रक्रिया क्या है, वो कैसे हम उसको लेंगे, उसका उल्लेख किया गया किसमें, तो नौवीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। इसकी अनुसूची में सम्मिलित विधियों को, जो इस अनुसूची में जो विधि सम्मिलित है किसमें, नौवीं अनुसूची में, उसको न्यायालय में क्या, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस अनुसूची के तहत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा, तो क्या जवाब आपको देना है, नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में जो विषय दर्ज हो जाता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे देखिए दसवीं अनुसूची क्या कहता है, तो इसमें दल बदल मतलब जो राजनीतिक पार्टी होते हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, जो भी जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं, वो दल मतलब आज कांग्रेस में है वो कल फिर जैसे चुनाव अगला पार्टी जीत गया तो उसमें चले गए, फिर आरजेडी में, फिर आरजेडी से अगर उनको लग रहा कि कांग्रेस का पार्टी जीतेगा फिर कांग्रेस में चले गए, तो उसको रोकने के लिए प्रावधान किया गया किस अनुसूची में, दसवीं अनुसूची में। और साथ में क्या इसमें अटैच है, इसमें देखिएगा दिसंबर 2003 में 91 संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल से संबंधित प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। आगे देखिए दोस्तों 11वीं अनुसूची क्या कहता है, तो इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आपसे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है आप हमको कमेंट में बताइएगा, और भारत में सबसे पहले पंचायती कहां शुरू हुआ था, तो हम आपको बता देते हैं राजस्थान के एक जिला है नागौर, राजस्थान के एक नागौर जिला है, वहां पर पंचायती राज सबसे, पंचायती व्यवस्था सबसे पहले शुरू हुई थी भारत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए दोस्तों 12वीं अनुसूची क्या कहता है, उसमें शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय संस्था होती है, जो लोकल बॉडीज होती है, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किसमें, तो 12वीं अनुसूची में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9वीं अनुसूची जो है इसको हम रिवाइज कर देते हैं यहां से, आप समझ जाइएगा किस अनुसूची के तहत कोई विषय को अगर कोई कानून को केंद्र सरकार उस विषय में सूची में रखती है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो 9वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कानून बनाया था जिसको कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया था, उस सूची में जाने के बाद उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, साफ प्रावधान किया हुआ है, देख लीजिए सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो टोटल दोस्तों 12 अनुसूची है हमने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट था, यहां से एग्जामिनेशन में आपको एक से दो क्वेश्चन मिनिमम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम साइड हो जाते हैं। दोस्तों अगर मेरा प्रयास, मेरा क्लास आज का आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बिना आपके सपोर्ट का ये चैनल 1K तक, मिनिमम 1000 तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए आपका सपोर्ट की जरूरत है, और एजुकेशन का चैनल है तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्टूडेंट लोग जरूर इसे प्रमोट करेंगे, और जब तक एजुकेशन प्रमोट नहीं होगा, जब तक समाज में एजुकेशन नहीं बढ़ेगा तब तक इस समाज से गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हैं अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो टोटल संविधान की 12 अनुसूची है उनके बारे में उनको जानकारी मिले, उनको समझ में आए कि क्या क्या व्यवस्था है 12 अनुसूची में, और तब तक पढ़ाई कीजिए, फिर हम आपसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आपके सामने जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।